बेटी को। ऐसा क्या हो गया कि आप बैठिए ना। नहीं बेटा, यही ठीक है। समधी जी, समधन जी, मन में दुख है कि आज दिवाली के रामा सामा के बजाय मुझे आपसे ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन इसका कारण आपकी बेटी ही है जिसने आज के दिन हमारे घर में त्योहार बिगाड़ दिया। मैंने आपसे पूछना है, क्या यही संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? बड़ों से झूठ बोलना, अपनी गलती छुपाना, बातों को बदलना, खुद की गलती दूसरों पे मारना। यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? अगर यही संस्कार है आपके, तो मुझे कोई हैरानी ना होगी अगर एक दिन आपकी बेटी मारा गला काटकर सबसे यही बोलेगी कि मुझे कुछ ना पता है। भाबो तो सो रही थी, सोते सोते मर गई होंगी, तो मुझे कोई हैरानी ना होगी। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं बीनड़ी? आखिर बात के हो गई समधन जी, हमारी बेटी से ऐसी कौन सी भूल हो गई? ना ना समधन जी ना, इसकी भूल को भूल बोलकर आप इसकी करनी को छोटा कर रहे हैं। इसकी लापरवाही के वजह से हमारे घर में चोरी हुई, नई बीनड़ी के सारे गहने गए, और ये झूठी मारे सामने झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। आज तो ये इतना गिर गई कि अपने छोटे देवर और ननद पर इल्जाम लगाने में इसे जरा भी लाज नहीं। चोरी और झूठ में उन्हें भी साथ घसीट लिया। यही शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को? ऐसे कैसे इसने? समधन साहब, अगर इससे ऐसी कोई भूल हो गई हो तो मैं इससे ये गलती हुई का क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये झूठ का रिवाज आपके घर में होगा, हमारे घर में ना है। समधन साहब, बेटियां तो माँ से ही सीखती हैं। छत पर बढ़िया सुखा रही थी इसे शिक्षा देते वक्त? इतना भी ना सोचा कि दूसरों के घर जाएगी, ऐसा काम करेगी, सबसे पहले आपकी इज्जत उछलेगी। नहीं बता सकती, चुप रहना होगा मुझे, इस कुटुंब के साथ ही जीना होगा। नहीं बता सकती मैं कुछ। समधन जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू,
और इसकी तरफ से वादों करूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ना समझी जी, आप हमारे घर में बीनी बनकर ना रहने वाले हो। जो मैं आपका वादा सुनू, मैं आज किसी की ना सुनने वाली। इसे इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर। बाबू ये तो क्या कह रही है? हम जानते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो ना दे मीनाक्षी को। गलती किससे नहीं होती बाबू, और फिर अब तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तू जो चाहे उसे सजा दे सकती है, पूरा अधिकार है तुझे, पर ऐसे ऐसे घर से ना निकाल। देख बाबू, कल को मोहित छवि या फिर मुझसे कोई गलती होगी तो क्या हमें भी घर से निकाल देगी? नहीं ना, तो फिर इन्हें भी यहां से मत भेज। देख बाबू, आज दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, घर में खुशियां मनाई जाती हैं, पर तू ऐसा करके घर में आ रही खुशियों को दरवाजे से ना लौटा। मत कर बाबा, मैं कह रहा हूं। मेरे लिए असंतोष, जो हुआ उस पर मट्टी डालो और आगे बढ़ो। इसे इसके किए की सजा मिल गई है, दोबारा ऐसी गलती ना करेगी।